तो आपने खरीद लिया भाई एक लैपटॉप या फिर एक पीसी और आप करना चाहते हो उसके ऊपर गेमिंग, लेकिन गेम खरीदने के तो भाई पैसे हमारे पास बचे ही नहीं है, हमने पूरे पैसे लैपटॉप एंड पीसी के अंदर ही लगा दिए, तो अब क्या करा जाए। खैर कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर हम बैठे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा गाइस 6 बहुत ही अमेजिंग से पीसी गेम जिनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं स्टीम से और खेल सकते हैं अपने लैपटॉप एंड पीसी के ऊपर। और नंबर 4 एंड नंबर 6 तो यार मेरा फेवरेट है, तो पूरी वीडियो जरूर देखना, आपका ही फायदा उसके अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 के ऊपर जो गेम मैंने रखा है उसका नाम है वॉर रोबोट्स, और ये एक थर्ड पर्सन शूटिंग गेम है जहां पर आप अपने दुश्मन को मस्त घुसकर फोड़ सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आप चाहे फोड़ सकते हैं। यहां पर आपको 100 से भी ज्यादा वेपन्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी एकदम एडवांस तरीके के। और यहां पर आपको बहुत ही सारे एनिमीज भी देखने को मिलेंगे जो कि क्यूट से कॉम्बैट रोबोट्स हैं, और उनके साथ ही आप बैटल करने वाले हो। यहां पर आपको बहुत ही शानदार वेपन्स भी देखने को मिले, जैसे कि मैंने बताया कि 100 से भी ज्यादा वेपन्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये गेम मैंने ट्राई किया था पहले, और मैंने सोचा था कि जब भी मैं फ्री गेम्स का नेक्स्ट एपिसोड बनाऊंगा उसके अंदर इस गेम को जरूर इंक्लूड करूंगा। और इस गेम के ग्राफिक तो अच्छे हैं, लेकिन इस गेम की जो मतलब सबसे अच्छी बात मुझे लगी, जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो काफी मिनिमल है। मतलब एक लो एंड पीसी भी इस गेम को अच्छे से खिलवा देगा। अगर आपके पास लो एंड सिस्टम है तो आप भी इस गेम को जरूर ट्राई कर सकते हैं, आपके सिस्टम पे ज्यादा लोड नहीं डालेगा, तो आप लोग भी इसको खेल सकते हैं, काफी मिनिमल है। और अगर इस गेम के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन या इस गेम को डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दिया है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और खेल सकते हैं। आइए अब अपन चलते अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो जो नंबर 2 के ऊपर गेम है इसका नाम है कॉन्करर ब्लेड। आई होप मैंने इसका नाम ठीक से प्रोनाउंस किया होगा। तो कॉन्करर ब्लेड भी एक बैटल गेम है जिसके अंदर आपको बहुत ही सारे सोल्जर्स देखने को मिल जाएंगे जो एक दूसरे से फाइट करेंगे। एनिमीज, फायर स्टॉर्म, एवरीथिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बैटल फील्ड काइंड ऑफ फीलिंग यहाँ पे आने वाली, मस्त शूटिंग है, डिफेंस है, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पुराने जमाने के जो बाण चलते थे ना, मतलब वो फायर वाले तलवार एंड ऑल, फायर वाले जो बाण चलते थे इसके अंदर वो आग लगा के तीर छोड़ते थे वाले तीर इसके अंदर देखने को मिलेंगे। आई थिंक ऐसा लग रहा है मेरे को देखकर, इसका जो मैंने गेम प्ले देखा था उसके अंदर मेरे को ऐसा देखने को मिला था। और काफी अच्छी अच्छी चीजें गेम के अंदर जो कि आप कर सकते हैं, और फ्री गेम के तौर पर आपको ये गेम मिलता है स्टीम के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है भाई। ग्राफिक भी काफी अच्छे हैं गेम्स के, और भी कुछ आप इस गेम के अंदर डेफिनेटली कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से खेलते हैं। गेम तो सारे अच्छे होते हैं, बस खेलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इस गेम को खेलता है। और ये गेम ऑनलाइन बैटल रॉयल है, इसके अंदर आप दुनिया भर के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ फाइटिंग्स भी कर सकते हैं। आपको पता ही है जो ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम होते हैं उनके साथ प्लेयर्स के साथ खेलने में मजा तो आते ही है भाई। अलग अलग डिफरेंट कंट्री के प्लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपका इस गेम के अंदर होने वाला है। तो गाइस इस गेम को जरूर एक बार ट्राई करना, और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दिया, वहां से जाकर आप इस गेम को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो जो नंबर 3 के ऊपर मैंने गेम रखा इसका नाम है ब्रावला। आई होप मैंने इसका नाम ठीक से लिया होगा। और ये भाई ये तो काफी फेमस गेम है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। और ये भाई अपना मस्त ओपन वर्ल्ड एकदम बैटल रॉयल गेम है। इस गेम के अंदर आप आई थिंक 8 लोगों के साथ खेल सकते हो ऑनलाइन, या फिर आप इसके अंदर प्राइवेट रूम बनाकर भी अपने दोस्तों को इसके अंदर इन्वाइट कर सकते हैं खेलने के लिए, जो ब्रावला खेलते होंगे उनको आप बुला सकते हैं इसके अंदर, और साथ में मिलकर खेलोगे काफी मजा आएगा। बैटल रॉयल गेम है, मल्टीप्लेयर गेम है, तो इसके अंदर आपको काफी मजा आने वाला है। और इस गेम की जो कम्युनिटी ना भाई काफी बड़ी है, मिलियंस ऑफ प्लेयर्स गेम को डेली खेलते हैं, तो उसकी कम्युनिटी काफी बड़ी है। फ्रीक्वेंटली इस गेम के अपडेट भी आते रहते हैं, और अपडेट के साथ वो नई नई चीजें ऐड भी करते रहते हैं इस गेम के अंदर। और ये गेम क्रॉस प्लेटफॉर्म भी, तो इसको आप अपने फोन वगैरह पे भी आई थिंक खेल सकते हैं, iOS एंड्रॉइड के ऊपर, या फिर मैक है आपके पास उसके ऊपर भी आप इस गेम को खेल सकते हैं। तो काफी बड़ा इसका जो कम्युनिटी है ना बहुत बड़ी है भाई, इस गेम को काफी लोग खेलते हैं डेली, मैंने खुद देखा, मेरे एक दो दोस्त खेलते हैं इस गेम को। और अगर आपको एक छोटा सा क्यूट सा गेम खेलना था अपने सिस्टम के ऊपर, तो मैंने इस गेम को यहाँ पे ऐड किया है, और आप इस गेम को जाके खेल सकते हो गाइस। और अगर आपको इस गेम के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या इस गेम को आपको डाउनलोड करना है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब अपन चलते अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो जो गेम मैंने नंबर 4 के ऊपर रखा भाई, इसका नाम है अपना किल क्रैब। और ये गेम अभी जस्ट 19 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है, रिसेंटली जस्ट कुछ दिन पहले ये गेम लॉन्च हुआ है। और ये गेम अपना अंडर वाटर फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है, और इसके अंदर अभी आपको पानी के अंदर देखने को मिल जाता है सारे चैलेंजेस। इसके अंदर आपको दुश्मन सारे पानी के अंदर देखने को मिलेगा, उनको आपको निपटाना भाई। ये इसका एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग होने वाला है। मैंने भी इस गेम को ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं इस गेम को जरूर ट्राई करने वाला हूँ इस वीडियो के बाद ही। और काफी अच्छे चैलेंजेस इस गेम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, प्लस इसका जो गेम प्ले वो भी काफी मेरे को अच्छा लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, और ग्राफिक तो भाई गेम के मस्त है ही है। तो आप लोग भी इस गेम को जरूर ट्राई करना गाइस। किल क्रैब नाम है गेम का, और अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये गेम, काफी अच्छा है भाई। ये गेम अभी नया है तो उसकी कम्युनिटी आई डोंट नो कितनी बड़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से काफी बड़ी
हो जाएगी आगे जाके, बिकॉज ये गेम काफी अच्छा FPS गेम है। तो भाई FPS गेम लोगों को पसंद आते ही है, कुछ भी हो जाए FPS गेम लोगों को पसंद आते हैं, तो वो 100% इस गेम को ट्राई करने वाले। भाई जैसे कि मैंने बोला कि ये गेम काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में ही, तो मतलब मेरा मन हो गया कि इसको मेरे को खेलना है। तो मेरे ऐसे काफी लोग होंगे जो इस गेम को खेलना चाहते होंगे, और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी इस गेम को एक बार ट्राई जरूर करें, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे देखने को मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब अपन चलते अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो जो गेम मैंने नंबर 5 के ऊपर रखा है उसका नाम है अनरियल स्ट्राइक, और ये गेम भी 18 जुलाई 2023 को ही लॉन्च हुआ है, रिसेंटली जैसे गेम लॉन्च हुआ है। और ये गेम भी अपना एक अनरियल मोबाइल FPS गेम है भाई। इसके अंदर भी आपको काफी इंटेंस बैटल देखने को मिलेंगे, और डायनेमिक मैप्स है, मैप्स काफी चेंज होते रहते हैं, यहाँ पर आपको काफी अच्छे अच्छे मैप्स देखने को मिलेंगे। और नया गेम है भाई, तो इसके अंदर काफी आपको नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे जो आज के टाइम पर बड़े बड़े गेम्स के अंदर देखने को आपको मिलते हैं, तो वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आजकल के FPS गेम के अंदर आ रहे हैं भाई, वो सब आपको देखने को मिलेगा इस गेम के अंदर। और नया गेम है तो इसके अंदर काफी अपडेट्स भी आने वाले फ्यूचर के अंदर, तो भाई इस गेम को भी आपको ट्राई करना तो बनता ही है एक बार। काफी वाइब्रेंट सा गेम है, काफी कलरफुल गेम है, यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड देखने को मिल जाता है, प्लस यहाँ पे ग्राफिक भी काफी अच्छे हैं, और भाई शूटिंग गेम है, ओपन वर्ल्ड गेम है, तो आपको मजा तो इसके अंदर आने वाले ही है, काफी मजा आएगा आपको इस गेम के अंदर। सबसे अच्छी बात, इसके अंदर आप मॉगिंग भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आप करना चाहो तो, वो आपको सीखना पड़ेगा कैसे करनी है। और डायनेमिक वेदर वगैरह सब कुछ यहाँ पे चेंज होता रहेगा, काफी अच्छे FPS हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, मल्टीप्लेयर गेम है, वो काफी बढ़िया बढ़िया कॉम्बैट्स बैटल्स एनिमीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिनके साथ आप बैटल करोगे, जीतोगे हराओगे उन्हें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कम्युनिटी भी भाई काफी बड़ी हो जाएगी इस गेम के आगे जाकर, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि गेम थोड़ा सा डिफरेंट है जितने भी है, और क्योंकि गेम थोड़ा सा डिफरेंट है जितने भी जो गेम्स है ना भाई, उनसे थोड़ा सा गेम डिफरेंट है, मेरे को इसका गेम प्ले भी काफी अच्छा लग रहा है देखकर, तो मैं भी इस गेम को जरूर ट्राई करने वाला हूँ, तो आपको भी इस गेम को जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। और अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस गेम को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए अब अपन चलते अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो अब जो गेम है नंबर 6 के ऊपर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो नंबर 6 के ऊपर गेम है वो मेरा फेवरेट गेम है। इस गेम का नाम है Deathly Stillness, और ये एक फर्स्ट पर्सन ज़ॉम्बी गेम है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है भाई। मैंने इस गेम को जब खेला था ना, मुझे लगा नहीं भाई कि ये गेम फ्री में मिल सकता है स्टीम के ऊपर, वो भी इतना प्यारा गेम है ये, और ग्राफिक भी काफी अच्छे हैं भाई, मैप भी काफी अच्छा है, जो ज़ॉम्बीज आते हैं वो भी काफी अच्छे हैं, उनको आप निपटा सकते हो। गेम प्ले भी मुझे काफी अच्छा लगा, सिंपल लगा, ज्यादा वो नहीं है, और ग्राफिक से मैं बहुत इंप्रेस हुआ था इस गेम के, जब मैंने इस गेम को खेला था एक बार तो मुझे काफी पसंद आया था इसके ग्राफिक। और आप लोगों को भी मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट गेम अवेलेबल है स्टीम के ऊपर जिसको आप खेल सकते हो फ्री में। तो अगर आपको ज़ॉम्बी वाले गेम पसंद है, FPS गेम पसंद है, तो भाई इस गेम को भी आपको ट्राई करना एक बार बनते ही। सो गाइस मेरी लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना आपका फेवरेट गेम कौन सा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस यहाँ पे देख सकें गाइस। और अगर आपको फ्री में गेम्स डाउनलोड करना है तो आप मेरी राइट वाली वीडियो को चेकआउट करो, मैं आपसे वही मिलता हूँ। टिल देन हैप्पी गेमिंग गाइस।